हाय गाइस, हम लोग इंसर्ट मेथड आज देखने वाले हैं। ये जो मेथड्स हम लोग देख रहे हैं, हम लोगों ने एक और मेथड देखा हुआ है पहले से, अपेंड मेथड। ये सब कहाँ से? ये सब जो हमारा जो एरे मॉड्यूल है उसमें जो एरे क्लास है उनके मेथड्स हैं। ये एरे मेथड्स हैं, बहुत सारे एरे मेथड्स हमारे पास हैं, जिनमें से एक हमारा अपेंड मेथड था, एक और हमारा जो अभी हम लोग देख रहे हैं इंसर्ट मेथड। सो इंसर्ट मेथड क्या करता है? दिस मेथड is used to insert an element in a particular position of the existing array। एक array जो कि पहले से बना हुआ होगा उसके एक particular position पर आप एक नया element insert कर सकते हैं। syntax ऐसा कुछ इस तरीके से, आपको array का नाम लिखना है, जिस भी array में आपको नया element insert करना है उस array का आप यहाँ नाम लिखते हैं, dot लिखते हैं, insert लिखते हैं, और between parenthesis आप दो parameter यहाँ देते हैं। पहला है position number, यानी किस पोजीशन पर आपको नया एलिमेंट इंसर्ट करना है उसका पोजीशन नंबर देंगे। याद रखिएगा पोजीशन नंबर हमेशा जीरो से स्टार्ट होता है, तो आपको जीरो से ही काउंट करना है, देन कॉमा देकर आपको नया एलिमेंट वहां लिखना है। सो क्विकली इसका एग्जांपल देखते हैं। मैंने इसका कोड पहले से लिख के रखा हुआ, जैसे कि हमारा समय थोड़ा बच जाए, बिकॉज ये जो मेथड्स इनमें कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं डिस्कस करने को। सो पहले हम लोगों ने इम्पोर्ट कर लिया एरे मॉड्यूल को, देन हम लोगों ने एरे यहाँ क्रिएट किया, जिसमें कि हमारा एलिमेंट है 101, 102, 103, 104 और 105। देन हम लोगों ने लेंथ निकाला कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, वह निकाला, उसका लेंथ हम लोगों ने एन में असाइन किया। देन आई इक्वल जीरो और वाइल लूप का यूज़ करके हम लोग सारे जो भी एलिमेंट्स उसको डिस्प्ले कर लेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक का जो कोड है ये सिर्फ क्या करेगा, हमारा जो ओरिजिनल एरे है उसके वैल्यूज़ को डिस्प्ले करेगा, यानी कि 101, 102, 103 और 104 और 105, ये सिर्फ डिस्प्ले करने का काम करेगा। तो यहाँ हम लोगों ने कुछ भी अपना मेथड यूज़ नहीं किया, हमारा जो मेथड यूज़ हो रहा है वो यहाँ से हो रहा है। ये सिंपली डिस्प्ले करेगा एरे आफ्टर इंसर्ट। हम लोगों ने क्या किया कि हमें इस एरे में ये जो स्टूडेंट stu_role है, इसमें मैंने डॉट इंसर्ट, मैंने कहा कि वन पोजिशन पर ये वाला एलिमेंट मुझे इंसर्ट करना है। वन पोजिशन पर मतलब देखिए, जीरो पोजीशन पर ये है, वन पर ये है, टू पर ये है, थ्री पर ये है और फोर पर ये है। तो मैं कह रहा हूँ कि अब वन पर 106 को कर दो, तो यहाँ पर अब आपका हो जाएगा 106 और इसका पोजीशन हो जाएगा वन। देन ये टू, ये आपका थ्री, ये आपका फोर और ये आपका फाइव हो जाएगा। देन ये चलेगा, तो ये फिर जब चलेगा तो ये कहेगा कि थ्री पोजिशन पर 107 कर देना। तो देखिए ये ज़ीरो है, ये वन है, ये टू है, ये थ्री है, तो यहाँ थ्री पोजीशन पर 10, यानी कि यहाँ पर आपका हो जाएगा 107 और ये आपका फोर हो जाएगा, ये आपका फाइव हो जाएगा और ये आपका सिक्स हो जाएगा। तो इस तरीके से पूरा ये काम करेगा, देन आप उसको फाइनली डिस्प्ले कर सकते हैं। बहुत ईजी सा कोड है, इसको रन करके मैं आपको दिखाता हूँ। इसको रन करने के लिए हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट में जाएंगे, देन यहाँ पर हम लोग इसको रन करेंगे। देखिए पहले हमारा एरे था 101, देन 102, 103, 104, 105। अभी इंसर्ट करने के बाद हमारे फर्स्ट पोजीशन पर हमारा चला है 106 और ये ज़ीरो है, ये वन है, ये टू है और ये थर्ड पोजीशन पर हमारा चला है 107। देन हमारा ये जो पहले से मौजूद था वो सारे एलिमेंट्स है। तो गाइस इस तरीके से इंसर्ट हमारा काम करते हैं, इसमें हम लोग पर्टिकुलर पोजीशन नंबर डिफाइन कर देते हैं कि किस पोजीशन पर आपको ये इंसर्ट करना है। तो बहुत ही यूज़फुल मेथड है ये हमारा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।